Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and get all the new videos. पहला कागज है हमारे हाजरीन में से सर मैं आपके पास 12 साल पहले आया था और कुछ नहीं जानता था सिर्फ जानने का शौक रखता था इन सालों में मैं आपके सारे लेक्चर सुने और वर्कशॉप अटेंड कर ली और बहुत कुछ सीखा आज मेरी जिंदगी में सब कुछ है लेकिन इन सब से बढ़कर जो मैंने हासिल किया वो आपने शऊर दिया बेदारी दी हर लम्हा बेदार होना सिखाया और मुझे अपनी पहचान बताई इससे बढ़कर और क्या नेमत हो सकती है आपकी वजह से दुनिया में सब कुछ हासिल करके भी अंदर से फकीरी आ गया मुझे अफसोस होता है लोग इस मकाम को नहीं समझ पाते आज आपका दिल से शुक्रिया कह रहा हूँ मैं अल्लाह ताला का और आपका जितना शुक्र अदा करूँ कम मैं अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी अता दे आमीन बहुत शुक्रिया भैया बहुत कम लोग दुनिया में आजकल दुआ देते हैं किसी को आपने दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको भला करे 12 साल हो गया बहुत लंबा अरसा होता है बाज दफा सारी जिंदगी में किसी की तो आंख नहीं खुली अच्छा हमारे दोस्त का हमने जवाब दे दिया दोस्त थोड़ी सी एफर्ट करो सेल्फ रेगुलेशन पे तो ठीक हो जाएगा अच्छा एक सवाल है बड़ा अजीब सा सवाल अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम क्वेश्चन फ्रॉम अ जॉब सीकर मुलाजमत तलाश करने वाले का एक सवाल है जो मुलाजिम हाउ व्हाट डज द कंपनी लुक इन अ फ्रेश एस्पिरेंट कंपनी जब हायर करती है तो वो क्या देखती है जिसका इंटरव्यू लेती है जॉब करने मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस जब आप इंटरव्यू देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस कितना है बड़े बड़े जिनके पास डिग्रियां हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते कल मेरे पास एक बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान किसी दूसरे मुल्क से आया है मिलने मुझे हैंडसम बंदा सब कुछ है बड़ी अच्छी डिग्री है उसके पास वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता वो बाहर काम करता है मैंने उससे पूछा मैंने कहा चलो स्टेज की प्रेजेंटेशन तो समझते हैं मगर 10-12 लोगों में इनफॉर्मल बात करनी हो कहता फिर भी दिल घबराता है मैंने उसको NLP और सिल्वा रिकमेंड किया तो असल चीज है कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से लोग ऐसे झूठ भी बोल जाते हैं आप टीवी पर अक्सर देखते हैं कई दफा आपको यकीन होता है कि वो सच बोल रहा है मैं ये नहीं कहता कि झूठ बोलना चाहिए मैं बता ही रहा हूं कि जिसमें कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कुछ कर गुजरता है जब हम फायर वॉक कराते आप लोग आग पे चले आप में से कुछ लोग कितने कॉन्फिडेंस से चले इस यकीन के साथ कि आग आपको नहीं जलाएगी और नहीं जलाया ये कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होता है जब आप किसी किस्म के इंटरव्यू देने जाते हो तो पहली चीज देखी जाती है वो आप बैठते कैसे हो सवाल के दौरान आपके आई कांटेक्ट क्या होते हैं गुफ्तगू के दौरान जवाब के दौरान पॉजेस लंबे तो नहीं आपके क्या आप किसी सोच में तो मुब्तला नहीं हो जाते कॉन्फिडेंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि आपको यकीन होना चाहिए अपनी जात पर जिस शख्स को अपने ऊपर यकीन होता है उसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता अब ये सारी चीजें आती हैं आपकी तरबियत पे तालीम माहौल माशरा किस माहौल में पले बढ़े हैं माँ बाप ने क्या तरबियत दी है असातिज़ा ने क्या सिखाया है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस अगर होगा तो बड़ा होकर कॉन्फिडेंस होगा बच्चे बचपन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बड़ा होकर कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कॉन्फिडेंस की कोई गोली कोई दवाई नहीं है दुनिया में कोई डॉक्टर के पास कॉन्फिडेंस की गोली नहीं है कई दफा गिरने के बाद कॉन्फिडेंस आता है शर्त ये कि उठाने वाला आपको सही मशवरा दे तो कॉन्फिडेंस लेके जाओ और दूसरा आपका यकीन और ईमान एक बात पे होना चाहिए कि आपका रिस्क रब के हाथ में किसी कंपनी के एम्प्लॉयर के पास नहीं वो रिस्क आपको मिलेगा और इस हद तक मिलता है कि रिस्क आपके पीछे पीछे दौड़ रहा होता है और आपका रिस्क आपके पास पहुंचता है अब सवाल आप पे आ जाते हैं जी ये बहुत सारे सवाल बचते गए मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी निपटा सर हाउ कैन वी अलाइन आवर सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड इन परस्यूट ऑफ अ गोल एज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी स्ट्राइव फॉर अ पर्पस वी कैन हार्डली बी कंसिस्टेंट ड्यू टू द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू काइंडली आंसर इन थर्सडे लेक्चर मे अल्लाह रिवॉर्ड यू फॉर योर एफर्ट्स थैंक यू बहुत शुक्रिया जी शऊर और तहत शऊर के दरमियान तजाद इसको मैं कई दफा मिसाल दे चुका हूँ आपको कि एक शख्स सिगरेट पीता
वो सिगरेट छोड़ना चाहता है। अब सिगरेट छोड़ने के लिए उसको कॉन्शियस माइंड में एक चीज होती है, जो सबसे बड़ी कुवत होती है कॉन्शियस माइंड में, वो होती है विल पावर, कुवत इरादे जिसको उर्दू में कहते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के पास मेमोरीज होती है, याददाश्त होती है, यादें होती है, जज्बात है, एहसास है। तो जब एक शख्स सिगरेट छोड़ना चाहता है तो वो बड़ा कुवत इरादे उसके पास है, वो बड़ी कोशिश करता है, इसलिए नहीं छोड़ पाता कि निकोटीन की एडिक्शन के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है कि उसके तहत शऊर में कोई ऐसी यादें हैं कि जिसका सिगरेट से बड़ा गहरा रब्ता है। अब वो जो यादें हैं या वो जो रिसोर्सफुल स्टेट है उसका, वो उसको कभी छोड़ने नहीं, वो जितनी दफा भी कोशिश करेगा छोड़ेगा, फिर पी लेगा, फिर स्टार्ट कर देगा। तो इसको बड़े टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट है तजाद का। इसी तरह एक बड़ा मशहूर किस्सा मैंने बताया था कई दफा, मैं हिप्नोसिस के वर्कशॉप में और एनएलपी में बता चुका हूँ। एक नौजवान बड़ा ब्रिलियंट किस्म का बंदा जो एक बड़ी बैंक में बड़ी सीनियर पोजीशन पे था, उसी बैंक में एक उसकी कुलीग थी लड़की जिससे उसको मोहब्बत हो गई। अब प्यार तो होता है दीवान, 4-6 महीने उन्होंने मुलाकातें की, कॉफी शॉपी पे मिलते थे, आखिर लड़के ने प्रपोज कर दिया। लड़की के माँ बाप थे बांग्लादेश में। अब प्रपोज किया, सब कुछ अच्छा था, शादी हो गई। शादी होने के चंद दिन के बाद लड़के को बिला वजह अपनी बीवी पे शक होना शुरू। शक पहले पहले तो उसने कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल ही होने लगा, अब वो लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़की हैरान थी, मुझ पे शक क्यों करता है, इतने अच्छे से बैंक में थे, 6 महीने हमने एक दूसरे को देखा, बरखा जाना, एकदम से शक क्यों हो गया। उस लड़के को नहीं पता उसको क्यों शक हो रहा है। खैर जी, बात बढ़ते बढ़ते झगड़े होने लगे और आखिर में तलाक हो गया। लड़की इतनी दिल बरसता हो गई, दिल टूट गया उसका कि वो वापस बांग्लादेश चली। लड़का डिप्रेशन का मरीज हो गया, अब वो दवाइयां खा रहा है, दवाइयां डेफिनेटली उसको नींद में लाती है, सुलाती है। अब जब नींद होती है तो वो बैंक में परफॉर्म नहीं कर पाता, तो अब वो परेशान हुआ कि दवाइयों से कैसे जान छुड़ाई जाए। वो रास्ता नहीं था, क्योंकि कोई वजह नहीं थी कि उसको शक क्यों आने वाले। खैर कि कहीं चिकित्सा कराता, कहीं से हमारा मिला, वो हमारे पास पहुंचा। तो पहला 10 मिनट मैंने उससे बात की, उसके बाद मैंने कहा ठीक है भाई, हिप्नोसिस या एनएलपी का कोई वर्कशॉप था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कई साल पहले मैं उसमें डाला था। लास्ट डे मैं सब पे काम करता हूँ, जो भी पेशेंट आते हैं उनको लास्ट दिन वर्कशॉप पे काम करता हूँ। तो मैंने, मुझे हिस्ट्री तो बताई थी उसने कि ये वजह थी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई वजह है तेरी बीवी ने कभी ऐसी बात की कभी तूने? अच्छा, उस जमाने में व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था। मैंने कहा कोई बात पकड़ी, कोई खत देखा, कुछ ऐसा किसी से वो मिलती है? कहता कुछ भी नहीं, हम दोनों साथ घर आते थे, कभी कभी मैं देर से आता था, वो घर पे पहले पहुंचती थी, कोई ऐसी रीजन नहीं थी, कोई ऐसी वजह नहीं थी कि मैं उस पर शक करूं, मगर मुझे शक होता था। इसकी वजह से टूट गई और सारे, फिर बाद में वो डिप्रेशन में चला गया। हमने जी उसको आंखें बंद कराई, पीछे ले गए। उसने कहा था कि मुझे नहीं पता कि शक क्यों हो रहा मुझे। जब पीछे ले गए तो अजीब और गरीब एक वाकये में वो पहुंचा, उसकी उम्र 5 या 6 साल की। अब वो बोल रहा बच्चों की तरह, 5-6 साल की उसकी उम्र थी, और उसने बताना शुरू किया कि मैं सुबह आवाज हो रही थी, घर में शोर हो रहा था, आंखें बंद करा, वो बच्चा नीचे उतरा सीढ़ियों से, तो नीचे देखा कि लाउंज में पुलिस भी है, खाला भी है, फरोसन भी, अम्मी भी है, अम्मी रोए जा रही है, पुलिस सवाल पूछ रही है लोगों से। अब वो जाके खाला ने उसको अपने पास बिठा दिया, चुप बच्चा था 5-6 साल का। अब वो बच्चा सुन रहा है, देख रहा है, अजीब गरीब रौनक है घर के अंदर, लोग आ रहे जा रहे। खाला ने उसकी माँ से कहा कि मैं कहती थी तुम्हें कि बंगाली चोर हो। एनएलपी में हम उसे जनरलाइजेशन कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं कहती थी बंगाली चोर होते, सारे बंगाली चोर नहीं होते, मगर उस खातून ने जुमला जो कहा वो जनरलाइजेशन है। आई एम श्योर उसका मतलब भी ये नहीं था कि सारे बंगाली चोर होते, मगर उसने कह दिया कि बंगाली चोर होते। मैंने पहले ही कहा था नौकर मत रखना। अब बच्चे के जहन में वो बात आ गई, अब उसका अकीदा ये बन गया कि हर बंगाली चोर। अच्छा, बात खत्म हो गई, वो बच्चा बड़ा हो गया, भूल गया उस वाक्य को, कभी याद भी नहीं था उसको। अब आप देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना कमाल का दोस्त है आपका, एक्चुअली आपका दोस्त नहीं।
जब तक लड़की से प्यार था, मोहब्बत थी, मिलते थे कॉफी पे, डिनर पे, एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जैसे छत के नीचे आ गई सोने में, क्योंकि बंगाली जो चोर था वो नौकर था जो घर में रहता था, तो जब तक ये लड़की घर में नहीं आई थी उसके सबकॉन्शियस माइंड को कोई खतरा नहीं था। जैसी शादी हुई, जैसी लड़की आना शुरू हुई, अब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको इसलिए शक देना शुरू किया कि बंगाली चोर होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि एक बंगाली है, दो बंगाली चोर, ये सारे वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। एज इट इज वो फीलिंग्स और इमोशंस आना शुरू हुए। जैसी फीलिंग्स और इमोशन आना शुरू हुए, शक की बीमारी पैदा हो गई और लड़ाई झगड़े और बात खत्म हो गई। ये है टिपिकल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड उसको प्यार करता था, प्यार सबकॉन्शियस में भी था, मगर सबकॉन्शियस में एक मेमोरी थी बड़ी खतरनाक। हमें से कई लोगों के सबकॉन्शियस में क्या है मैं खुद नहीं पता, हमें नहीं पता। जिंदगी में हम देखते हैं कि कहीं पे हम काम कर सकते हैं। एक डीएचएल का एक वर्कशॉप कराया था एनएलपी का कई साल पहले, तो एक बड़ी क्यूट सी लड़की थी वहां पे, बड़ी डायनामिक किस्म की लड़की। उसका प्रॉब्लम यह था कि वो पानी में नहीं जाती थी। अक्सर ये लोग सारे डीएचएल के लोग बीच वगैरह पे जाते होंगे, ये पानी उसको डर लगता था, मगर उसके पास मेमोरी थी। कुछ अर्से पहले उसकी कजन ने मजाक मजाक में उसको सर पे हाथ रख के नीचे डाला था, तो वो पानी मुंह में चला गया था, नाक में, अंदर फेफड़ों में चला गया था, अब वो डरती है। अब मैंने क्या किया, उसको ले जाके मैंने कहा कि जी जो सबसे कीमती मोती होता है वो गहराई में, तो मैंने गहराई में उसको तसव्वुर में ले गया और कहा कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो गहराई में जाना। उस दिन के बाद से उसका वो खौफ खत्म हो गया। हमारी लाइफ में बड़े ऐसे वाकयात हैं जिसका मैं नहीं पता होगा, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर जब आपको लगे कि किसी चीज में रुकावट है आपके, तो इसका मतलब है सबको के सबकॉन्शियस के पास बिलीव भी है। सबकॉन्शियस आपका ईमान, आपका अकीदा, सब कुछ सबकॉन्शियस में होता है, कॉन्शियस में नहीं होता। कॉन्शियस में जो डेली डे टू डे आप काम करते हैं वो होता है। आप गाड़ी में सबकॉन्शियस नहीं चलाते, आप मोटरसाइकिल ऑटोमेटिकली चलाते हैं, कभी सोचते हैं कभी गियर दबाओ क्लच दबाओ नहीं, ऑटोमेटिक है, बिकॉज इट इज टेकन ओवर बाय द सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा जी, नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, हम कैसे पता चलाएं कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारी नफ्स की ख्वाहिश है या फिर हमारा रब हमसे वही चाहता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? काइंडली आंसर माय क्वेश्चन इन थर्सडे लेक्चर एज माय टर्न कम्स। थैंक यू वेरी मच। बड़ी समझदार खातून साहब है, फिर उन्होंने लिखा है व्हेन माय टर्न कम्स। लोग इंतजार नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूँ, जवाब देता हूँ कि जब वक्त आएगा, टर्न आनी चाहिए। हम 6-7 सवाल से ज्यादा नहीं ले सकते। सवाल यह है कि जी अगर मेरे दिल में कोई ख्वाहिश है या मैं कोई काम करता हूँ या करती हूँ, तो क्या यह मेरी नफ्स की तरफ से या मेरे रब की तरफ से? बड़ा आसान है। वैसे तो नफ्स जो है वो बड़े खेल खेलती है आपके साथ, और पता नहीं आप लोगों ने सुना है पिछले थर्सडे के लेक्चर बहुत सारे यूट्यूब पर सुना करें उसको। नफ्स की 3 कैफियत है। नफ्स कोई फिजिकल चीज नहीं, ये इंसान की जान है। मैं उस जान की बात नहीं कर रहा जो 8वीं स्ट्रीट पे रहती है, इंसान के अंदर जो जान है। इस नफ्स की 3 कैफियत है। एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लुआमा, और तीसरी है नफ्स मुतमईना। सारी जिंदगी हमारी जो जंग रहती है वो नफ्स अम्मारा और नफ्स लुआमा के दरमियान जंग रहती है। नफ्स अम्मारा आपसे काम कराती है, सारी खुदगर्जी इसके अंदर मौजूद है, ये मेरा ये तेरा, खबरदार ये नहीं लेना, ये खाना है मैं खा लूं उसको कम मिले, चोरी चकारी डाके बेईमानी रिश्वत झूठ फरेब मकर गीबत सब कुछ अम्मारा का। अब जब अम्मारा आपको चलाती है, आपको अम्मारा नफ्स ही चलाती है, तो दूसरी कैफियत नफ्स की, ये अल्लाह का करम है बहुत बड़ा हम पर, कि वो पशेमान होती है। वो कैफियत जिसमें आपको एहसास जुर्म, एहसास गुनाह हो, अपने किसी अमल पर अफसोस हो, अपनी किसी बात पर अफसोस हो, कभी किसी को गुस्सा कर दिया बाद में अफसोस हुआ मैंने ज्यादती कर दी, किसी नौकर को डांटा बाद में अफसोस हुआ, तो शुक्र करें नफ्स लुआमा आपकी अभी जिंदा है कि आपको एहसास जुर्म और एहसास गुनाह होता है। अब ये जो तकरार है दोनों की, ये सारी जिंदगी चलती, एक वक्त आता है, और उसको अगर पिछले
جمعرات کا لیکچر تھا یا اس سے پچھلے تھا, سپر کانشیس لیول کی بات کی تھی کہ جب انسان کو اللہ نے سپر کانشیس لیول میں پیدا کیا ہے تو قتل و غارت کیوں کرتا ہے. بڑا اس کا آسان جواب یہ ہے, جب اس دونوں میں تکرار ختم ہو جاتی ہے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ سپر کانشیس لیول ہوتا ہے جہاں انسان کوئی عمل اپنی مرضی سے نہیں کرتا, وہ کرتا ہے جو اسے کہا گیا ہے کرنے کا. یہ بڑا اونچا لیول ہے نفس مطمئنہ کا. تو اب جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر ایک کے پاس ہدایت ہے. کون یہاں پہ جس کو نہیں پتا بیسک زندگی کے قوانین, ویلیوز کیا ہے, ورچوز, جھوٹ مت بولو, سچ بولو, بےمانی مت کرو, لوگوں کا دل نہ دکھاؤ, بڑوں کا ادب احترام کرو, اچھا روڈ پہ کچرا مت پھینکو. وجہ یہ ہے کہ وہ کچرا آپ ہی کے گھر میں واپس آتا ہے, ٹھیک ہے. دوسروں کا حق نہ مارو, ملاوٹ نہ کرو, یہ تو بیسک چیزیں کوئی بھی جانتا ہے, چاہے آپ کے پاس تعلیم ہو نہ ہو, آپ کو یہ پتا ہے کہ بیسک چیزیں. تو اب جب آپ کو ایسا عمل کرتے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہے تو وہ آپ کی نفس کروا دے, نفس آپ سے جھوٹ بلوائے گی, نفس آپ سے رشوت دے گی یا رشوت لے گی. اگر آج کوئی باپ چاہے وہ پانچ وقت کا نمازی کیوں نہ ہو, اپنے بیٹے کی ایڈمیشن کے لیے, جو کہ بیٹا یا بیٹی اہل نہیں ہے, ایڈمیشن کے لیے رشوت دیتا ہے تو اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں, بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ وہ کسی کا حق مارتا ہے. وہ جو سیٹ اس کے بچے کو مل گئی پیسے کی وجہ سے, وہ کسی کا حق تھا جو اسے نہ ملا. تو نماز وغیرہ سب بیکار اگر کسی کا حق مارا, تو یہ تو بیسک چیز ہے, ہر ایک شخص جان سکتا ہے. اب ایک اور طریقہ جو آگے جاتا ہے, یہ صوفیہ کرام وغیرہ اللہ کے جو درویش ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ اپنی نفس کے خلاف کرو. تمہاری نفس کہہ رہی ہے ٹھنڈا پانی, گرمی ہے ٹھنڈا پانی پیوں, کہو ٹھنڈا نہیں پیوں گا, سادہ پانی پیوں گا. یہ نفس کے خلاف جاؤ. گرما گرم روٹیاں ہیں اور نہاری ہے یا کوفتے یا پائے ہیں, اور آپ نے کہا نہیں بس ایک روٹی کھاؤں گا دوسری نہیں کھاؤں گا, اپنی نفس کے خلاف جاؤ. آپ جو اوور ایٹ کرتے ہو نا, یہ آپ کی نفس کی وجہ سے کرتے ہیں, آپ کے جسم کو ضرورت نہیں ہے. تو جب کبھی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کی نفس چاہتی ہو, آپ کو خواہش ہو, اس کو کچھ دیر کے لیے روک کر دیں, کچھ کم لے کے دیکھو, تو آپ اپنی نفس پر قابو پاؤ. یہ طریقہ ایک بڑا زبردست بزرگوں نے بتایا نفس پر قابو پانے. اچھا جی, نیکسٹ دیکھیں, نیا جو سسٹم لگا ہے ساؤنڈ, اتنا مزہ آ رہا ہے مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا, کیونکہ میں اپنی آواز بھی سن سکتا ہوں اور آپ کو عروج بھی آئی. اچھا جی, السلام علیکم. اچھا یہ ہے, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں جی, میں ارسلان ارشد, بٹ کوائن والا. یہ کوئی بٹ کوائن سمجھتے ہیں؟ آج کل بڑا مشہور ہوا تھا نا, اب تو کتنی مارکیٹ گر گئی بہت زیادہ, کرپٹو کرنسی تھی. تو انہوں نے سوال بھیجا, ہر اسٹوڈنٹ جس نے سلور 4D کی ہوئی ہے, اور جب بھی ہیلنگ روم لیب میں میں جا کر آپ سے ہیلپ کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اس کے خواب میں آ کر ہیلپ کر دیتے ہیں. ایون اگر کوئی پرائیویٹ مسئلہ ہو جس کا سولوشن مل رہا ہو, تو اس کا بھی سولوشن میں آ کے خواب میں بتا دیتا ہوں. 3 دن پہلے میری ایک فیملی ممبر کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی, درد اور بخار سے حالت بہت خراب ہو گئی. میں نے لیب سلوا کے اندر ہوتا ہے, میں نے لیب میں جا کر آپ سے ریکویسٹ کی کہ ریکی دے کر لے, اور وہ 30 منٹ بعد ٹھیک ہو. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے, میں آفس کیسے چلاؤں گا اگر خواب میں ہی سارے کام ہوتے رہے, تو میں ان کو تنخواہ کیسے دوں گا؟ یہ یوٹیلیٹی بل کون دے گا آپ کو؟ ویسے بڑی کیفی, اور وہ بھی خواب میں, بٹ بہرحال بڑا پیارا ہے. اس رات پھر میں نے خواب میں آپ کو پھر دیکھا. آپ کے سب اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک سوال لازمی آتا ہے کہ آپ ہر دفعہ کیسے خواب میں آ جاتے ہیں, اور کیا یہ طریقہ سکھائیں گے؟ میں چاہتا تھا آپ سے یہ سوال 4D میں پوچھنا سکتا تھا, کیونکہ اس سوال کا جواب ہر اسٹوڈنٹ سے. بھیا پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ ہر آدمی سیکھے گا تو خاص کر اگر عمر جوان ہوگی تو بڑا مسئلہ ہوگا. سیکھ ہر کوئی سکتا ہے, صرف یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے. ابھی ہم نے نفس والی سوال کر, میں اپنی خوشی کے لیے اپنی مرضی سے کسی کے خواب میں نہیں جاتا کہ بھائی تو پیسے دے دے مجھے ادھار کچھ, یا یہ کر دے, میں یہ کام نہیں کرتا.
ये अल्लाह का कोई ऐसा कानून है जिसको आम आदमी नहीं समझता कि उस कानून में जब आप किसी को याद करते, मेरे ख्याल में पिछली दफा बड़ा खूबसूरत था, किसी ने मौला अली का एक कॉल लिखा था कि जिसको तुम ढूंढते वो तुम्हें ढूंढ रहा है, याद है आपने सुना था? एग्जैक्टली यही, जब कोई शख्स तमन्ना करता है, ख्वाब में बुलाने की दुआ करता है या चाहता है, खासकर उन कैफियत में, लैब में, सिल्वा में या फोर डायमेंशन में, पिरामिड में, तो मेरी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली जाता है वहां पर, और वो जाके जो भी सवाल का जवाब है वो उसको दे देता है, हीलिंग कर देता है। ये कोई नहीं कर सकता है। अगर इंसेप्शन फिल्म आपने देखी हो, जो अक्सर लोगों को तो समझ ही में नहीं आई है, उसमें क्या कमाल उन्होंने थ्योरी दी है कि आप किसी के ख्वाब में जाते हैं और उस ख्वाब में जाके आप उसको एक और ख्वाब दिखाते हैं, यानी ख्वाब में ख्वाब और फिर उसके बाद एक तीसरा लेवल पे एक और ख्वाब। तो ये मुमकिन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस, मुझे 40 साल हो गए, 5-10 साल आप थोड़े से लगाए, सिल्वा, हिप्नोसिस, NLP, फोर डायमेंशन लगाए, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो ये सलाहियत आप में पैदा होगी। शर्त ये कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात पे काबू पाओ, ये बहुत जरूरी। किसी जमाने में, कई साल पहले की बात है, मेरी एज कम थी, एक सेनेटर साहब की वाइफ आती थी मेरे पास सीखने के लिए, नाम नहीं बता सकता, बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, मगर किसी बात पे मैं उनसे सख्त नाराज हुआ। अच्छा, मैं अपनी नाराजगी का बरमाला इजहार नहीं करता, अपनी आवाज की टोन वगैरह बढ़ाता नहीं, मगर नाराज हुआ मैं। तो दूसरे दिन वो मुझे मिली कराची जिमखाने में और कहा कि प्लीज रात को आप मेरे कमरे में आए। मैं बहुत डर गया, माफी चाहता, उसने माफी मांगी, उसके बाद से मैं कभी गया नहीं। वो एज कम थी ना, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल, गुस्सा आ गया था। Anyway, अस्सलाम वालेकुम सर, आई वुड रियली अप्रिशिएट, इट विल बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इफ यू कुड गिव अ डिटेल लेक्चर ऑन नमाज की अफजल, लाइक वन इन योर थर्सडे लेक्चर, एज आई ट्राई टू प्रे नमाज बट कांट मेक इट हैबिट फॉर सम अननोन रीजन, एंड ऑल्सो व्हेन आई सी पीपल हु आर नमाजी येट दे आर सो बैड, आई फील इफ नमाज कांट चेंज, आएगा कुछ ऐसे ही है। अच्छा, समझ गया, नमाज कांट चेंज पीपल, ये होगा, पर्चा चला गया मेरे पास। अच्छा, मैंने नमाज पे पिछले हफ्ते काफी तफसील में बात की, आपने सुनी होगी, फिर भी लोग चाहते हैं, देखिए एक जुमला कैसा, उस जुमले को पकड़ लें, नमाज की फजीलत आपको समझ में आ जाए। एक जुमला, 5 फराइज हैं दीन इस्लाम में जो हर मुसलमान पर और हर मोमिन पर फर्ज है, वैसे तो 5 से ज्यादा है मगर आमतौर पर 5 कहते हैं। इबादतों में शामिल है नमाज है, ज़कात है, वकील में सलाता तो ज़कात, नमाज और ज़कात साथ साथ चलती है, ज़कात है, तीसरी जो है वो क्या है, हज है, फिर उसके बाद रोजा और फिर जिहाद, 5वीं जिहाद। अच्छा देखिए, रोजा बंदा खुदा रखता है, यानी अल्लाह का बंदा रोजा रखता है, हज बंदा खुदा करता है, ज़कात बंदा खुदा देता है, जिहाद बंदा खुदा करता है, मगर नमाज नुमाइंदे खुदा अदा करता फर्क, क्योंकि नमाज में खड़े होने का मतलब है कि इस दुनिया में जितनी भी मादनियात, नबातात, हैवानात, जितनी चीजें अल्लाह ने खल की, मिट्टी के जर्रे से लेकर बड़े बड़े पहाड़, आबशार, पानी, नमक, दरिया, दरख्त, फूल, पत्ते, जानवर, हर किस्म की, सबका नुमाइंदा हाजिर है बारगाह इलाही, ये नमाज की फजीलत। वरना अल्लाह को क्या जरूरत है, कहता आंखें बंद करके पढ़ लो, कहता खड़े रहो, फिर झुको, फिर सज्दे में जाओ, फिर बैठो। ये रीजन ये है कि चारों पोजीशन आपको दुनिया में नजर आएगी, अल्लाह की तमाम मखलूक इन चारों पोजीशन के अंदर, तो इसलिए ये पोजीशन नमाज के अंदर है और ये अरकान जो नमाज के हुए, तो नमाज नुमाइंदा खुदा अदा करता, इसीलिए जब नमाज पढ़ो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बारगाह इलाही में, अल्लाह तुम्हें देख। सवाल ये पैदा होता है कि नमाज लोगों को बदलती क्यों नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए सवाल है, लम्हा फिक्र ही है। जुम्मे को आपको नमाज की जगह नहीं मिलती, रोडों पे जाए नमाज बिछाई जाती है, इतने लोग जुम्मे को नमाज पढ़ते, खाना काबा में, मस्जिद नबवी में, तमाम मुकद्दस मकाम पर जुम्मे के दिन लोग इबादतें करते, नमाज पढ़ते, दुआएं करते, फिर मुसलमानों की हालत क्यों नहीं बदलती?
आज तक हमने ये नहीं सोचा। कुछ वजूहात है इसकी। पहली चीज, अल्लाह का कानून समझने की कोशिश करें, और वो कानून सबके लिए बराबर है, यहूदी के लिए, क्रिश्चियन के लिए, हिंदू के लिए, अजान के लिए। तो अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है, जो बोगे वो काटोगे। Every action there is equal and opposite reaction. हर अमल का रद्द अमल है ना, अल्लाह सबके लिए। जो नहीं मानता उसको भी रिस्क भी देता है, शिफा भी देता है, उस पर रहमत भी नाजिल करता है अपनी, उसको कामयाबी भी अता करता है। सब शर्त ये कि अल्लाह के कवानीन को समझो तो कामयाबी मिलेगी तुम्हें। अब अगर आप नमाज पढ़ के बाहर निकल कर दिबत करते हो, बाहर निकल के चोरी करते हो, बाहर निकल के मिलावट करते हो, बाहर निकल के खराब करते हो रोडों को, तो कैसे रहमत मिलेगी उसमें। मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को वजू करते हुए पानी इतना जाया करते हैं कि मुझे दुख होता है उस वक्त देखकर। मैं भी वजू करता हूं, अब यकीन कीजिए कम से कम पानी इस्तेमाल करता हूं, कम से कम। मेरा नहाना, एक दफा मैं दुबई से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, तो 16 घंटे की फ्लाइट होती है, बहुत बड़ी फ्लाइट, और मेरी खुशनसीबी की उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया। अब फर्स्ट क्लास में रूम बने होते, कैबिन होते हैं जहाज में, और 380 एयरबस, और उसमें बाकायदा एक स्पा है, यानी बाकायदा नहाने का गुसल खाना है अलग से। तो दो लोग थे पूरे फर्स्ट क्लास में, तो मैंने एयर होस्टेस से कहा, मैंने कहा लैंड होने से 2 घंटे पहले मैं शावर लूंगा। ठीक है, अच्छा जी। मैं उठा, उठने के बाद मैं कुछ खाया पिया, उसके बाद मैं शावर लेने गया, उसे सारा सेट कर दिया, तौलिया शौलिया हर चीज लगा दिया। अच्छा, बाथरूम में उनका एक टाइमर होता है, क्योंकि सारे एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है पानी की हवाई जाती है, तो 5 मिनट बाद वो बंद हो जाता है शावर, यानी आप 5 मिनट में डालें, मैं 2 मिनट में निकल गया। अरे बंदे खुदा, फर्स्ट क्लास के अंदर आप हैं, आराम से बैठ के तू 5 मिनट पानी तो बहाता नहीं, बहाया क्यों? मैं पानी नहीं बहा सकता ज्यादा, ये अल्लाह की नेमत है, ये रिसोर्स है, और यहां लोग वजू करते हुए इस तरह पैर धोते हैं जैसे जिंदगी में पहली दफा धो रहे, इतना पानी बह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो आपका किरदार और अमल क्या है हमारा? तो दुआओं से कुछ नहीं होता, दुआएं बारगाह इलाही में पहुंचती है, मगर कानून कुदरत के साथ अगर अलाइनमेंट नहीं होती उस दुआ की, यानी अमल दुआ के साथ ना हो तो वो फ्रूट नहीं देती आपको, वो फल नहीं मिलेगा आपको आपकी दुआ का। तो पहली चीज तो ये कि खुदा ताला की, अल्लाह ताला की नेमतों को जाया कर रहा है। आज पानी देखे ना, मैं अपने घर में नहाता हूं, मेरे ख्याल में 2 मिनट में मैं नहा के निकलता हूं, मैं शेव करता हूं तो कंटिन्यूसली मेरा नल खुला नहीं होता, मैं बाहर जाता हूं, इवन इस्लामाबाद, लाहौर, पाकिस्तान से बाहर जाता हूं, जैसे अमेरिका में गया होटल में, भाई मैंने तो पूरे दिन के किराया दिया है, मैं जितना पानी इस्तेमाल करूं वो तौलिया में रोज इस्तेमाल करूं नया नहीं करूं, मुझे पता है तौलिया मैंने इस्तेमाल करना है, मैं 3 दिन होटल में हूँ, 4 दिन होटल में हूँ, तो वही तौलिया इस्तेमाल करूंगा। क्यों? वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं क्यों उसको डालू धोने के लिए रोज? क्योंकि रोज धोने के लिए डालूंगा तो उसको धोने के लिए सर्फ इस्तेमाल हो गया, वॉशिंग पाउडर, वो वॉशिंग पाउडर नालों, नदियां और नहरों में और दरियाओं में जा रहा है आपका, और वो जहर है, आप अपने दरियाओं के अंदर जहर डाल रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप चाहते हैं रोज नया टॉवल हो आपके पास। क्यों? मैंने अपनी जिंदगी में कभी फेस पर साबुन नहीं लगाया, और लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपका चेहरा तो यंग लगता है, कोई झुर्रियां नहीं है, वजह ये कि मैं वो इस्तेमाल नहीं करता जिससे आपके चेहरे पे झुर्रियां आ रही है, पानी से धोता हूं अपना चेहरा। तो एक, खुदा ताला की नेमतों को जाया करना, दूसरा खुदा की नेमतों का सही इस्तेमाल ना करना। ये जो दिमाग और जहन अल्लाह ने दिया ना, ये बहुत बड़ी नेमत है, उसका इस्तेमाल तो करो, वो भी नहीं करते। इल्म हासिल करने का शौक नहीं है, एमबीए की डिग्री आ गई, बीबीए की डिग्री आ गई, इंजीनियर बनने पर काफी है, किसने का काफी है भाई? सीखने का अमल मां के गोद से लेकर कब्र की गहराइयों तक कंटिन्यू रहता है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। और नमाज में क्यों कबूल नहीं होती? वजह इसकी बात,
نماز انسان کی شخصیت کو چینج کر سکتی ہے, اس کے اخلاق کو, کردار کو, مگر وہ اس لیے نہیں کرتی. میں نے ایک جملہ کئی دفعہ کہا ہے کہ نماز میں بندے کا سر تو جھکتا ہے, سر والا نہیں جھکتا. سر جھکانا کچھ اور ہے, جس کا سر ہے وہ نہیں جھکتا. تو جب جس دن سر والا جھکنے لگا اس دن نماز آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی, معراج ہے نماز کی, عبادت کی. نیکسٹ سوال, سر دعا مانگتے وقت کیفیت کیسے پیدا. اچھا ایک اور بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ نماز میں وہ ان سے مس ہو جاتی ہے. دیکھیں اگر آپ ایک عادت ڈالیں بنائیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ 30-40 days میں اگر ایک کام روٹین میں ڈیلی کریں تو آپ کی عادت بن جائے گی. تو اب اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ جی مجھے نماز نہیں چھوڑنا. آئیڈیلی تو آپ پانچوں نماز پڑھیں, ایک نماز سے شروع کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پڑھ سکتے. الارم رکھ دیں, ٹائمر رکھ دیں, سونے سے پہلے فجر کی نماز, سونے سے پہلے تصور کریں کہ لیٹ سے 5:30 الارم بج رہا ہے, میں اٹھاؤں اور میں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے سو جائیں, اور اس چیز کو اپنے اندر پیدا کریں, اس جذبے کو, اس کیفیت کو کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک سینس آف فلفلمنٹ, ایک خوشی ہوتی کہ آج میں نے رب کی عبادت کی, صبح اٹھ گیا, اس کو پیدا کرے. کیونکہ آپ کا مائنڈ کوئی چیز بھی کریٹ کر سکتا ہے, کریٹ کرے اور پھر سو جائے, الارم بجے گا آپ خود بخود اٹھیں گے. 30-40 days یہ عادت ڈالے آپ کو فجر کی نماز کی عادت ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ فجر کو اٹھنے لگے تو پھر ظہر عصر کا بھی کر لیں, مغرب عشاء کا بھی کر. چلیے سوال ان کا ہے, دعا مانگنے میں کیفیت ہونا نہیں آتا, دل سخت ہو چکے, نماز میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, یہ دل پر کس طرح محنت کرے. سمجھے کیا کہہ رہی ہے, کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے دل میں وہ رقت پیدا نہیں ہوتی, دعا میں وہ جذبات نہیں آتے, رونا نہیں آتا. ہم میں ایک راز بتا دوں, اگین علم اللہ کی طرف سے آئے سارے علم. انسان کی جو فیزیولوجی ہے, اس کا جسم, اس کے چہرے کے تاثرات, اس کا تعلق اس کی نیورولوجی سے, دماغ سے. NLP میں مقصد سکھاتے. اب نیورولوجی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, اسی لیے آپ کو رونا نہیں آتا, نماز میں رقت پیدا نہیں ہوتی, دعا میں وہ درد محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کا نیورولوجی برین آپ کو ساتھ نہیں دے. اب آپ کیا کریں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں انیشلی کوشش کریں کہ آپ روئیں. اچھا آرٹیفیشل رونا جس کو کہتے ہیں, مصنوعی رونا کہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے انسان مصنوعی طور پر رونا شروع کرتا ہے, برین میں ایک نیا سرکٹ بنتا ہے, سنیپس بنتا ہے. وہ جیسے سنیپس بنیں گے 3-4 times, آہستہ آہستہ وہ کیفیت رقت کی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. ایک طریقہ تو پیور سائنٹیفک ہے. دوسرا, اپنی زندگی کے اندر جو پریشانیاں, جو مشکلات آپ پر ہیں, اس کو یاد کریں تو آپ کو خود بخود آپ کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی. ہر انسان کی زندگی میں درد ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, کسی کو معاشی پریشانی ہے, کسی کو گھر کی پریشانی ہے, کسی کے اولاد نافرمان ہے, کسی کے ماں باپ سخت ہیں, کسی کا کیا پرابلم ہے, کیا پرابلم ہے. زندگی میں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ مسائل ہیں, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے بغیر آپ زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے. اگر 24 hours رات ہو تو آہستہ آہستہ رات کا مزہ ختم ہو جائے, اور 24 hours اگر سورج ہو تو سورج کا مزہ انگریز کو ختم ہو جائے گا. انگریز جب سورج نکلتا ہے تو کہتے ہیں نا سمر ڈیز, بڑے نکلتے باہر کھیلتے کودتے. جن ممالک میں سردیاں بہت ہوتی ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کب سورج نکلے, کب ہم سورج کو دیکھیں. ان سے پوچھو سورج کتنا ان کے لیے قیمتی ہے, اور جہاں سورج زیادہ تیز ہوتا ہے وہ ڈھونڈتے چھاؤ کب آئے, بارش کب آئے. تو یہ جو لائف کے اندر مختلف کیفیات ہیں, موسم کی بھی ہو, وہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم دوسری چیز کو اپریشیٹ. آپ کی زندگی میں دکھ پریشانی آتے ہیں تبھی تو آپ خوشی کو اپریشیٹ کر سکتے ہو, خوشی محسوس ہی اس لیے کر سکتے ہو کہ کبھی وہ نہ تھی آپ کے پاس, اب آپ آئی ہے تو آپ محسوس کر سکتے ہو. اگر ہر لمحے انسان خوشحال رہے تو تھوڑی دیر میں خوشی کا مطلب ختم ہو جائے گا, اس کے لیے دکھ لازم ہے. تو اگر آپ اپنی ان چیزوں کو یاد کیا کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت فرق پڑے گا. دوسری چیز, کسی اچھے قاری کی تلاوت سنا کریں کچھ دیر.
پانچ دس منٹ سنے وہ تلاوت، اس سے بھی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ کے دل میں. آواز میں بڑا جادو ہوتا ہے، کچھ قاری کی آواز میں ایسا تھا. میں سالوں پہلے حج پہ تھا، حج اکبر تھی، تو مدینہ میں جس جگہ میں رہ رہا تھا وہاں جو قریب مسجد تھی، وہاں جب اذان ہوتی تھی نا، اس مؤذن کی آواز میں کیا درد تھا، اس کو سنتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو یہ زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. ایک ٹیسٹ تو یہ کہ جس وقت اذان ہو کیا کیفیت پیدا ہوتی، کچھ نہیں ہوتی تو دل سخت ہو گیا. تو پھر مصنوعی طور پر عادت ڈالو، وہ آہستہ آہستہ ریئل ہونا شروع ہو جائے. نیکسٹ سوال، یہ اردو میں آئے جی، دو سوال. یہ طلحہ شفیق نے لاہور سے بھیجا تھا. میرے صوفی آپ پر اللہ کروٹ رحمت فرمائے. نہیں سوری، صوفی اچھا یہ قاسم الوی کا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. نماز ہی کیوں کامیابی کہا گیا، میں نے نماز پہ ایکسپلین کر دی، نماز کے اوپر ہی کرتا. اچھا کوشش کریں مولوی والے سوال نہ بھیجے بھائی. اچھا یہ بھی سب کانشیس کا، یہ میں نے بتا دی. جب زندگی میں کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو انسان کیا کرے؟ آرگنائزیشن ہے لنڈن بیسڈ ہے وہ، آکسفورڈ میں، یو کے میں، لیو، آپ نے نام سنا ہوگا، ملٹی لیول مارکیٹنگ کرتی ہے، ڈائریکٹ سیلنگ. ہم نے ان کے لیے، میں نے عروج نے جا کے فیبری میں ویڈیوز بنائی تھی 14، بڑی کامیاب ہوئی ہے مختلف سبجیکٹس پہ اردو میں. ان کو اردو جو ان کے ممبرز ہیں پاکستان میں 1.5 لاکھ ان کے لیے تھی، اور وہ بڑی ہٹ ہوئی ہے وہ سیل. اس انہوں نے پھر لکھا ہے ہم کو کہ اب اور ویڈیوز چاہیے نئے سبجیکٹ پہ، تو انگلش میں بھی اردو میں بھی، کیونکہ ان کی پوری دنیا میں ان کے ممبرز ہیں. میں نے ایک لسٹ بنایا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ میں نے ٹاپک رکھا ہے، وین گاڈ از کوائٹ واٹ ڈو آئی ڈو، وین گاڈ از کوائٹ واٹ ڈو آئی ڈو. آپ اس کو لفظی معنی مت لیں، میٹافورک ہے یہ کہ جب اللہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ تو اس میں میں اور روز مل کے آدھا گھنٹہ اس پہ بات کریں گے، انگلش میں بھی اردو میں. اب یہ بھی کچھ ایسے ہی ملتا سلتا سوال ہے کہ زندگی میں جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو کیا کروں. اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ نہیں جا رہے ہیں اور راستہ بھٹک گیا، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، پھر اس کا ایک ہی جواب ہے، انتظار کریں. اگر میں ایک چوراہے پہ ہوں، مجھے نہیں پتا میں دائیں جاؤں بائیں جاؤں کس طرف جاؤں، تو میں کیا کروں گا؟ انتظار کروں، کوئی رہبر مل جائے، کوئی اشارہ مل جائے، کوئی گاڑی گزرے تو مجھے راستہ بتا دے کہ مجھے کس سمت جانا ہے. زندگی میں کئی دفعہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب انسان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، تو ویٹ کرے، کوئی نہ کوئی رہبر ملے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ممکن ہے ہی نہیں کہ رب آپ کو اکیلا چھوڑے. جب وہ کوائٹ ہونا، اس کا مطلب ہے کوئی بڑی پلاننگ ہے، اس کی بہت بڑی پلاننگ ہے آپ کے لیے، آپ کو صرف ویٹ کرنا ہے کہ وہ پلاننگ کب آپ کے سامنے آئے. When God is quiet, what do I do? Next سوال، دولت مند انسان کو برا کیسے نہ کہیں؟ اسی میں جواب دے چکا ہوں، وہ آپ کا حق ضبط کر چکا ہو پراپرٹی کی صورت میں، سیلری کی صورت میں، پارٹنرشپ کی صورت میں. انسان کی تو عادت بن جاتی ہے سب سار بداؤ بدو لینے کی، جب آپ کہا ہو کہتے ہو دولت مند. اچھا میرا ایک چیز یاد رکھیں، ہم ایک چیز آپ کو سمجھا تھا اور آج بھی سمجھا رہا ہوں، ہر انسان کے عمل جو کرتا ہے وہ اچھا عمل یا برا عمل، آپ اس عمل کی تعریف کر سکتے ہیں، اس عمل کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں بندے کے لیے. بندہ اور عمل دو الگ الگ چیز ہیں، عمل بندہ ہی کرتا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کسی شخص کے بظاہر برے عمل کے پیچھے انٹینشن، نیت کیا تھا. بچہ اکثر روتا ہے، ماں اس کو ٹافی دے دیتی ہے، بچہ چپ ہو جاتا ہے. اب بچہ کیا سیکھتا ہے کہ جب ٹافی چاہیے رونا شروع کرو، پھر وہ روئے گا ماں ٹافی دے گی. میں جب چھوٹا تھا تو میری اماں کہا کرتی تھی، میں بڑا ضدی، بڑا غصے والا، ADHD چائلڈ، ہائپر ڈس آرڈر. کہتے ہیں بازار میں لے گئے تو میں زمین پہ لیٹ جاتا، تو مجھے کھلونا تھا نہ اتروں سڑک پہ لیٹ جاتا. میرے ماں باپ کی بہت مہربانی، مجھے بڑی مشکل سے پالا پوسا انہوں نے،
अब बच्चा क्या सीख रहा है, बिहेवियर क्या आ गया उसकी, कि जब खिलौना चाहिए रो दो कुछ करो, तो अब उसकी इंटेंशन खिलौने की रोने की नहीं है, उसे पता नहीं कि क्या दूसरा कोई रास्ता है खिलौना हासिल करने के लिए या मिठाई हासिल करने के लिए रोने के अलावा, उसे नहीं पता, चूंकि नहीं पता तो वही करेगा, यही अक्सर इंसानों में होता है। और जो इंसान हक मारता है दूसरे का, किसी की सैलरी मार ली, किसी के प्लॉट पर कब्जा कर लिया, एक लम्हे के लिए सोचे, मुझे हम सब यहां बैठे हैं, चाहे आप मुसलमान हो या किसी और मजहब से हो या मजहब ना भी हो, एक तो चीज आपने देखी ना कि इंसान, हर इंसान जो दुनिया में आया है वो कभी ना कभी वापस जाएगा। एक औरत आई बुद्धा के पास, उसका शौहर मर चुका था, एक ही बेटा था 20 साल का जवान बेटा, जो काम करके रोटी लाके देता तो माँ को बेटे खाते थे, वो शदीद बीमार हुआ, हकीम शकीम को बुलाया, वो नहीं इलाज कर सका और बहुत बुरी हालत हुई, बस जबान के ऊपर उसकी जान थी। किसी ने पूछा, कहा उसे कि जा बुद्धा के पास जा। अच्छा, अब वो बुद्धा के पास आई, तब तक उसका बेटा मर चुका था, उसको इत्तला मिली कि मर चुका, रोई धोई बुद्धा के पास आई कि मेरे बेटे को फिर जिंदा कर। बुद्धा ने उसे क्या कहा, जाके किसी घर में से सेसमी सीड को उर्दू में क्या कहते हैं, तिल ले आ थोड़ा सा, तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर एक शर्त है बुद्धा ने, उस घर से तिल लाना जिस घर में कभी कोई मौत ना मरा हो, कोई मरा ना। तो उस वक्त तो जोश जोश में मां चली गई, एक दरवाजे को खटखटाया, तिल दिया, उसे को कोई मरा था, मेरे दादा मर चुके, नहीं यहां से नहीं ले सकते। दूसरे घर में गई, खटखटाया, वापस उसने तिल दिया, तो पूछा औरत ने माँ ने कि इस घर में कभी किसी की मौत हुई, उन्होंने कहा मेरे नाना की मौत हुई थी। अब वो करते करते शाम तक जितने घर थे सबके दरवाजे खटखटाए और सब ने कहा कि यहाँ इस घर में कभी ना कभी कोई मरा है। अब शाम तक वो समझ गई कि बुद्धा ने उसे किस काम को लगाया, कुल्लू नफ्स ज़ायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स। तो अब जब सब जानते हैं कि मौत आनी है, अटल है, पर हक है, तो इंसान किसी का माल लूटता है, किसी की जमीन पर कब्जा करता है, बेवकूफ बनाता है, फ्रॉड करता है, उसे पता नहीं कि वो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। तो अब ये क्या चीज है, नफ्से अम्मारा। कभी कभी नफ्से लुआमा आती है ना, ये क्या कर रहा है, तो गलत कर रहा है, तो फिर नफ्से अम्मारा कोई चीज माशरे से लेके आती है, नहीं नहीं ज़कात दे दे, अल्लाह माफ कर दे, हज कर दे सारे गुनाह माफ, हज पे वो गुनाह कभी भी माफ नहीं होंगे जिसका ताल्लुक लोगों से, अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा, हुकूक लिबाद में वो नहीं बोलेगा जब तक वो माफ ना करे मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरी एक ही मुखलिस बहन, ये भी कर चुका हूं, सर कश्फ समा, ये भी बात की ना, अच्छा, क्या इल्म के मुताबिक क्या है, मेरे मुताबिक क्या है, कश्फ समा से कैसे कोई इस कायनात में सदियों से बिखरी आवाजों को सुन सकता है, इस ये किस मरहले पर आती है। हमारे दोस्त जो बैठे हैं जिन्होंने फोर डायमेंशनल सिल्वा किया, अक्सर हम कहते हैं क्लारवॉइंट कवर्ड यूज करते हैं, उन्होंने कहा कि जीनियस की निशानी ये है, जो सिर्फ जीनियस ऊपर उसकी निशानी है कि उसकी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन बहुत, वो जीनियस होती है, कि जीनियस मोहताज नहीं है उस इल्म का जो किताब में है, आम आदमी उस इल्म का मोहताज है जो किताब में, जीनियस मोहताज नहीं, और रास्तों से इल्म आता है, पर अल्लाह जिसे अता करना चाहे अता करता है, अगर अल्लाह गैर मुस्लिम को इल्म ना देता तो आज मेडिसिन ना बनती, आज जिंदगी में इतने आराम ना होते, ये गाड़ियां हवाई जहाज जिसमें बैठ के भाजोगा करते हैं घंटों में पहुंच जाते थे, पहले महीनों का सफर होता था, आज जिंदगी बचाने के लिए क्या क्या अद्वियात है आपके पास, दुनिया में जितने इंसान हैं उतनी अब खुराक नहीं, तो फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग से
चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि गलत है, नुकसान करती है। किसी ने एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से पूछा, एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट था, कि ये जो आप मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करके बीज नए नए बनाते हो जिससे फसल ज्यादा होती है, कीड़ा नहीं लगता, मगर ये इंसान की सेहत के लिए मुझे नुकसान करता है। उसने कहा देख बात सुन, अगर ये नहीं करेंगे तो खुराक नहीं इतनी होगी जितने खाने वाले हैं, तो भूख से मरोगे, और अगर हम ये करते हैं तो बीमारी से मरोगे। मरना तो कबारा देख कोई ना कुछ है, तो या तो खा के मरो या भूखे मरो। बात बिल्कुल सही थी। तो कश्फ समा जो है, समा कहते सुनने के, तो उसको हमारी इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी में सिल्वा में और फोर्थ डायमेंशन में क्लायर ऑडियम कहते हैं, यानी वो आवाज जो आम कान को नहीं सुनाई देती वो सुनाई दे, चाहे वो मुस्तकबिल की हो या माजी। कश्फ कहते हैं किसी चीज का रिवील हो जाना, किसी चीज का पता चल जाना, वो मंजिल जब राज बहुत सारे कायनात के बारी बारी आप पर इंकशाफ होता है उन राजों का। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नवाजता है, कायनात के बहुत सारे राज, फॉर एग्जाम्पल अशिया का इल्म। अब पानी ले ले, मेरे लिए तो शायद ये पानी ही है, मगर एक साइंसदान के लिए इसमें बहुत कुछ है। वो देखेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बना है, तो अब इस पानी का जो कॉन्स्टिट्यूट प्रिंसिपल है, जो उसका राज है हर शय का, वो साइंसदान जानता है। तो ये भी कश्फ है। कश्फ का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं कि हुलिया कश्फ वाला होगा। साइंसदान जो है जिन्होंने कुछ चीज भी डिस्कवर की, आपके ख्याल में वैसी डिस्कवर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक रब नहीं चाहता कोई डिस्कवर हो नहीं सकती कोई चीज, तो वो फिर अता करता है लोगों, और उनमें से जिन्होंने बड़ी नौ इंसान के लिए बड़े काम किए, आज ट्रेनें बनी है आपके पास। दुनिया में जब पहिया ईजाद नहीं हुआ था, आपको पता है कितनी मुश्किल थी, सामान को एक जगह खींच के ले जाते थे। एक बंदा था, वो एक पहाड़ी के टीले पे कुछ दरख्त कट रहे थे लकड़ियां आग जलाने के लिए, बहुत सारे लोग देख रहे थे। अब वो दरख्त कटते और वो धक्का मारते तो पहाड़ी से रोल करता हुआ दरख्त नीचे आता, तैनी उसकी तैना, सब देख रहे थे। एक आदमी को अजीब मेरे ख्याल है, उसने कहा यार ये खुद ब खुद अगर रोल हो तो नीचे गिर जाता है, तो गोलाई का कॉन्सेप्ट आया और पहला पहिया उसने बनाया। हर इंसान जब कभी बैठे कहीं पे तो बारिश का खतरा आसमान से आता है आपको लगता है, कभी कोई चीज ऊपर से आती है, कभी सोचा कि कैसे गिरी ये चीज ऊपर से, नहीं सोचा। एक ने सोचा जिसपे सेब गिरा था, वो न्यूटन था। तो जब अल्लाह ने किसी को कोई इल्म अता करना होता है वो सेलेक्ट करता है, बास को इल्म अता कर आजमाता भी है कि ये किसी को फायदा देगा या नहीं देगा या अपनी जेब भरेगा, और बास को इसलिए इल्म देता है कि वो आलायकार बन जाता है रब का इस दुनिया में इंसानियत की फलाह और बेहतरी। तो ये जो कश्फ समाए हुए है कि ऐसी आवाज सुने ना जो सदियों तक। अब इस पे साइंटिफिकली बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। मैं कुछ दिनों पहले नीपा में ट्रेनिंग दे रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्रेड 19 के ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स जो ग्रेड 20 में प्रमोट होने वाले, उनमें से एक साहब ने इसी रिसर्च का हवाला किया जो बरसों पहले मैं पढ़ चुका था। वो रिसर्च ये हाइपोथेटिकली पहले दिन से इस दुनिया में जो भी इंसान के अलावा भी चीज आई, मैं इंसान की बात करता हूं, जो इंसान आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और कयामत तक जितने इंसान आएंगे इस धरती पर, उनका चलना फिरना यानी हरकत मूवमेंट, उनकी बातें आवाज और उनका ख्याल और सोचना इर्ताश, ये तीनों चीजें स्पेस में मौजूद है, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक मौजूद है, रहेगी। अब अगर मौजूद है तो क्या हम उसे सुन सकते हैं? यस, सुन सकते हैं। देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। ये जो स्पेस है ना, ये बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, इसमें तमाम चीजें मौजूद, तमाम चीजें मौजूद। आम आदमी नहीं देख सकता, आम आदमी नहीं सुन सकता। अब रब जिसको वो मंजिल अता करता है कश्फ समा की, वो आवाज सुन लेता है बहुत दूर की भी, पुराने वक्त की भी और आने वाले वक्त की। अब इसमें दो चीजें, एक रूहानियत और एक सलाहियत। कुत्ता जो है लेबराडोर, अगर आपने देखा कहीं पे भी
अगर ड्रग्स चेक करने हो, असला चेक करना हो, बारूद चेक करना हो, तो एक कुत्ते की नस्ल बड़ी मशहूर है, लैबराडोर कहते हैं। लैबराडोर का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो 6000 से ज्यादा भूख को डिफरेंशिएट कर सकता है लैबराडोर, दूसरा डॉग कुत्ता नहीं करता। हर कुत्ते की अपनी अपनी कुछ सलाह, ये नस्ल में सूंघने की सलाहियत बड़ी कमाल की, इंसान में नहीं है। अच्छा, कुत्ता वो आवाज सुन सकता है जो इंसान नहीं सुन सकता। तो एक तो रूहानी कश्फ की हम बात करते हैं, एक ये भी है कि इंसान अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कर सकता है कि वो आवाज सुन सकता है। सालों पहले मैं ट्रेनिंग में था और वो ट्रेनिंग बड़ी अजीब गरीब थी, 10 दिन की ट्रेनिंग थी। उस 10 दिन में जैसे आप दाखिल होते हैं और 10 दिन के बाद आप निकलते हो, आप बोलना मना है, आप बोल नहीं सकते, कोई वहां पे बात नहीं करता, आवाज नहीं होती वहां, और हर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है आपके कमरे के बाहर कि जी सुबह इतने बजे नाश्ता होगा, यहाँ मराकबा होगा, यहाँ वर्जिश होगी, यहाँ ये होगा, यहाँ सत्संग होगा, मुख्तलिफ बातें होंगी, लेक्चर्स होंगे, मगर उस लेक्चर के अंदर कोई बात नहीं करेगा। अजीब सी बात है, अरे लेक्चर है बात क्यों नहीं कर रहा, वो बंदा बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं बोल, मगर वो बोल रहा है, सोच तो है ना। अब आपकी तरबियत दी कि ख्यालात पढ़ लें उसके, वो क्या है। पांचवें छठे दिन हमारी ये हालत थी कि जमीन पे चलने वाला कीड़ा मकोड़ा, वो बड़ा जो ब्लैक कलर की एंट आती है, उसके चलने की आवाज सुनाई देती थी क्योंकि कोई और आवाज नहीं थी। सामने बैठा हुआ गुरुजी जो बैठा है सामने, वो कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप बैठा है, आप उसके सामने बैठे और आपको पता चल जाता था कि वो क्या कहना चाह रहे। ये आवाजें बंद तो हो पहले हमारे अतराफ की, तब वो आवाजें सुनाई देगी। तो इसको कश्फ समा कहते हैं, ठीक है जी। Whenever we listen something which hurts our ego, ये भी मैं कर चुका हूं। अच्छा, एक सवाल ये, how law of attraction works, because I always have blind faith that this time my prayer will answer, but when time comes I always get disheard and because of this my belief become weak, so kindly answer। अक्सा ने भेजा ये कहीं से, समझ में क्या क्या हर था, मुझे यकीन होता है कि मेरी दुआ कबूल हो, मुझे काम हो जाएगा, और वो नहीं। अब इनका कहना है कि मेरा अकीदा है, भी अकीदा है ही नहीं आपका, क्योंकि अकीदा होता तो बाद में ये अफसोस ना होता कि मेरी दुआ कबूल ना, ये तो आप समझते कि आपका अकीदा है। भाई मैं अगर, मेरा ईमान है कि मेरा रब मुझे मेरी माँ से 80 गुना 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, वो मेरा खैर ख्वाह है, वो कभी मेरा नुकसान नहीं चाहता, वो हमेशा मुझे बेहतर से बेहतर बनाना चाहता, तो अगर मुझे कुछ नहीं मिला, मेहनत के बावजूद नहीं मिला, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं चाहता, मेरे लिए बेहतर नहीं, आई शुड वेट। ईमान ये होना चाहिए आपका कि दुआ मांगते वक्त हमेशा एक हो कि अगर ये मेरे हक में बेहतर है, नहीं है तो नहीं। अब यहां बड़े चालाक लोग भी, लड़की ने मुझे ईमेल की कि आप ये बात कहने सही है, मगर ये भी तो हो सकता है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरे लिए लड़का ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दे, उसको बना दे उस तरह से। तो ये क्यों कहूं कि जो भी बेहतर हो, मैं उसी को क्यों ना बोलूं कि सज्जाद ही हो मेरे लिए। तो तेरे कायनात में तो किसी चीज की कमी नहीं है, तेरे तेरे पास तेरी कुदरत में तो हर चीज, उसका दिल मेरी तरफ कर दिया। अल्लाह इस तरह किसी का दिल नहीं करेगा, क्योंकि उसपे जुल्म होगा, उसका दिल है ही नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम अल्लाह से दुआ कर रही हो कि उसका दिल। हाँ, मियां बीवी के दरमियान कोई मसाइल है तो फिर आप दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत डालना, तो अलग बात है। रिश्ता मौजूद है ऑलरेडी, एक रिश्ता है ही नहीं और वन साइडेड लव है, तो ये ज्यादा है। मशवरा है, नमाज पर भी बात कर ली, पानी भी ज्यादा जाया मत करें, अल्लाह की नेमतों को जाया मत करें, मगर एक चीज जरूर है हमारे दोस्त के, वो शुक्रिया अदा करने से याद आया, सर पे सोने का ताज हो, हाथ में हीरे की अंगूठी हो, महंगा से महंगा लिबास हो, महंगे से महंगे जूते हो, मगर मिजाज फकीराना होना चाहिए, अंदर से फकीर, किसी चीज के साथ अटैचमेंट इतनी होनी चाहिए कि उसके बगैर जिंदगी रुक जाए, कुछ भी जिंदगी किसी अटैचमेंट में इतनी नहीं हो कि जिंदगी रुक जाए, इसी याद रखिए। इंशाल्लाह अगले जुमेरात आपसे मुलाकात होगी, आबाद रहे, शाद रहे, परवरदिगार
آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں, پاکستان پائیں.